हेलो गाइज, आपसे हुआ टेक्निकल कुमार में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में बहुत सारे वर्ड में कोई स्पेसिफिक वर्ड को खोजें तो कैसे खोजेंगे? चलिए, इसके लिए एक सर्च वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं फाइंड एंड रिप्लेस। उसका यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कर लेना है। उसके बाद से मेरा जो कर्सर जा रहा है वहाँ पर देखिए फाइंड का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, ठीक है? इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है? आपको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेविगेशन बार आ गया होगा। इसमें आपको सर्च करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको जैसे एग्जाम सर्च करना है, ठीक है ना, एग्जाम। तो आप इसको इसमें एग्जाम लिख देंगे, और एग्जाम लिखने के बाद आप देख रहे हैं जो भी मेरा एग्जाम का जो है वो यहाँ पे कलर्ड हो जा रहा है। अगर इसको अगर रिप्लेस करना है, एग्जाम की जगह कुछ और करना है हमको, ठीक है, एग्जाम की जगह पर हमको प्रैक्टिकल या फिर कुछ और लिखना है, तो उसके लिए सिंपली आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए यहाँ पे, ये रिप्लेस पे, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ एग्जाम है, जैसे मान लीजिए हमको एग्जाम की जगह पे, आपने तो 3 डेट में देखा ही होगा, तो जैसे जैसे एग्जाम में है, जो भी एग्जाम की जगह पर हम रखना चाहते हैं फाइंड एग्जाम, जैसे हम एग्जाम खोज लिए, उसके बाद हमको रिप्लेस के अच्छे से करना है, तो रिप्लेस विद पे क्लिक करके आपको जैसे कर दीजिए प्रैक्टिकल, ठीक है। जहाँ जहाँ एग्जाम है वहाँ हमको हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑल डन, वी मेड 18 रिप्लेसमेंट्स, ओके कर देना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही ढेर सारे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।